आज पढ़ रहे जा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कैसे बिजली बनती है और कैसे ये काम करता है, आइए इसके पूरे प्रोसेस को जानेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कैसे क्या करता है, ठीक है। और आइए चलिए, जब किसी भी थर्मल पावर प्लांट में कहीं भी, ये मान लीजिए कहीं भी रेल कोई ट्रेन से कोयला लाया जाता है, तो सबसे पहले वो कोयला यार्ड में लाया जाता है। कोयला यार्ड में लाके जाके उसको कोयला के क्रेशर किया जाता है, मतलब उसके छोटे छोटे क्रेशर टुकड़े किए जाते हैं। वो सबसे पहले कहाँ आता है, यह कोयला कोयल में आता है। यहाँ पे कोयला यहाँ पे आता है, कोयला यहाँ पे आते ही क्या है, उसके क्रेशर का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ पे कहाँ पे जाता है, बॉयलर में जाता है। बॉयलर में क्या करता है, ये बॉयलर उसको गर्म करता है। मतलब जैसे कोई भी जैसे यहाँ रात गई, यहाँ जैसे गई, यहाँ बॉयलर से गर्म हो भाप निकली जल्दी जल्दी, उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे कोयला जलेगा उसमें क्या होगी, एश निकलेगी, मतलब राख निकलेगी। राख निकल के क्या होगा, इसमें एश राख आएगी, एकदम बॉटम एश हो आएगी, तो वो क्या है नीचे रह जाएगी, एक ऊपर जाएगी, वो एश ऊपर चल जाएगी। ऊपर कैसे जाएगी, स्ट्रोक से जाएगी, यहाँ से यहाँ स्ट्रोक से। स्ट्रोक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कैसे क्या कार्य हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा, पूरा अच्छी तरह से आपको दिख रहा रहता है। उसके बाद स्ट्रोक में क्या आता है, पूरी जो एश रहती है ऊपर से ही चली जाती है। इस एश में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ रहते हैं, इसकी वजह से इसको शुद्ध करने के लिए, इसको इन हानिकारक पदार्थों को एश से स्ट्रोक से निकालने के लिए प्रीपेनिट्रेटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्रीपेनिट्रेटर, ठीक है। ये क्या करता है प्रीपेनिट्रेटर, इसमें जो इसमें एश जाती है उसमें क्या है, जो मिनरल्स होते हैं कुछ भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको रोकने लगता है। उसके बाद क्या होता है इसमें, आइए यहाँ से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई भी नदी या रिवर्स में क्या रहता है, पानी लिया जाता है, पानी लिया जाता है, यहाँ से पानी लेके चले गए रिवर्स में पंप लगा के, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चल गई, यहाँ से लेके आ गई, यहाँ से क्या होगा, इसमें लेके चले गए, यहाँ से जैसे पानी आया, जैसे यहाँ पानी आया वैसे क्या है, बॉयलर क्या करेगा, गर्म होगा, गर्म होगा, जैसे पानी क्या होगा, भाप में कन्वर्ट होगा। भाप में कन्वर्ट होते ही इसमें क्या होगा, जैसे भाप में कन्वर्ट होगा, जैसे टर्बाइन में जाएगा, टर्बाइन बहुत ही जल्दी जल्दी घूमने लगेगी, बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अब ये बॉयलर में कैसा काम होगा, जैसे आपने यहाँ चित्र दिख रहा होगा आपको 3D में कैसे काम कर रहा है बॉयलर, जैसे बॉयलर जल रहा है ना, जैसे अब इसमें बॉयलर में पूरा अच्छी तरह से काम हो रहा है, उसमें क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, टर्बाइन आगे जाएगी, टर्बाइन में जाएगा ये कौन क्या जाएगी, भाप जाएगी टर्बाइन, टर्बाइन में क्या होगी जल्दी जल्दी घूमेगी, आपको दिख रहा होगा पूरी अच्छी तरह से टर्बाइन में घूम रहा है। ये बहुत से टर्बाइन रहेगी, या हाई प्रेशर टर्बाइन रहेगी या लो प्रेशर टर्बाइन रहेगी, ठीक है। टर्बाइन में घूमते घूमते उसके बाद ये क्या होगा, ये जाएगा इससे जनरेटर के पास, जनरेटर के पास जाएगा, उसके पास क्या होगा, जनरेटर क्या करेगा, घूमेगा, जनरेटर घूमते उसके बाद क्या होगा, अल्टरनेटर करंट पैदा होगा, इसमें पैदा होगा, यहाँ पे जाके वायर यहाँ जो है ट्रांसफार्मर जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेगा, ये जगह स्टोर करके क्या करेगा, जो बड़े बड़े टावर रहते हैं उनको दे दिया जाएगा। पर बट ये टावर क्या करते हैं, ये बहुत ही दूरी पर ले जाते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे आपके घरों के पास कोई भी थर्मल पावर प्लांट है तो वहां पर उसकी बिजली नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि ये इनकी इनका इतना अच्छी बहुत ही ज्यादा वोल्टेज देता है, मान लो 2000 मान लो 2000 वोल्टेज, 25000 बहुत ही ज्यादा इनका वोल्टेज रहता है। इन वोल्टेजों को किसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में स्टोर किया जाता है, बहुत ही दूर एक सिटी से दूसरी सिटी में भेजा जाता है, ये इसलिए भेजा जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे अगर आपने अपने आपके घरों में लगा दिया ये, अगर यहाँ से डायरेक्ट भेजा टीवी सब फूक जाएगी, सारा पूरा जल जाएगा। और उसके बाद आते हैं जैसे यहाँ टर्बाइन में, अभी टर्बाइन में आता है उसके काम, टर्बाइन में जैसे यहाँ पे भाप जाएगी, थोड़ी बहुत भाप बची हुई, यहाँ से क्या जाएगी, गर्म वाटर मतलब गर्म जल यहाँ से जाएगा, भाप जाएगी यहाँ से जाएगी, ये क्या रहेगा, कूलिंग टावर बोलते हैं, जो बड़े बड़े टावर लगे रहते ना, जैसे आपको ये दिख रहा है बड़े बड़े टावर, कूलिंग टावर, ठीक है। कूलिंग टावर क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से जाएगी आपकी ये भाप, यहाँ से इसे नीचे जाएगी, ऊपर आने लगी, फिर उसके बाद क्या होगा, इस कूलिंग टावर का पूरा काम क्या है, ये नीचे से क्या होगा, यहाँ से खुला खुला है, ये क्या करेगा, यहाँ से एयर जाएगी, ठंडी एयर जाएगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये रिवर्स से क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी ले जाता है रिवर्स से, यहाँ से पानी जाए, यहाँ से जैसे ही पानी आएगा, जैसे ही यहाँ पे कूलिंग टावर में पानी आएगा और यहाँ से भाप ऊपर निकलेगी, तो ये क्या होगा, भाप को नीचे धकेलेगा, मतलब थोड़ा बहुत धुआं तो ऊपर जाएगा, इसके ऊपर इसमें भी निकलेगा धुआं,
और इसमें निकलेगा धुआं, इसके कूल डाउन का ये काम रहता है, ठीक है। अब ये क्या रहता है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या, कंडेंसर क्या कार्य करता है, दिख रहा होगा आपको, यहां से आती है, यहां से जाती है गर्म जल, यहां से आता है ठंडा वाटर, ठीक है। इन दोनों को पास क्यों रखा जाता है, इन दोनों को पास इसलिए रखा जाता है क्योंकि गर्म वाटर और ठंडा वाटर क्या करता है, इन दोनों पास रहने से ये क्या है, ये थोड़ा वो पानी ठंडा हो जाता है यहां से रखने से, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, आपको पता है दिख रहा होगा पंपिंग स्टेशन, रिवर स्टेशन, इसमें क्या होता है आपके उसमें यहां से नदी से स्टोर कर लिया जाता है। पंपिंग स्टेशन रहता है जो पंप के द्वारा चढ़ा लिया जाता है और रिवर्स रिसोर्स मतलब यहाँ पे इकट्ठा कर लिया किया जाता है बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी को इकट्ठा करके कूलिंग टावर में यहाँ से गिराया जाता है, बहुत से गिराया जाके यहाँ पे क्या होता है उसमें भाप होती है जो ऊपर निकल जाती है, नीचे चल जाती है, यहाँ से वापिस ऐसा काम करने लग जाता है, ये पूरी साइकिल एक साथ चलने लग जाती है। यहाँ से क्या होता है, इसमें क्या होता है कोयला प्लस वाटर, इन दोनों से क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये जनरेटर का क्या काम करे, जनरेटर जैसे आपने बहुत से पढ़ा होगा कि दो जनरेटर क्या है, जैसे टर्बाइन घूमेगी तो जनरेटर से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये पता ही लग रहा होगा। ट्रांसफार्मर में जाएगी, ट्रांसफार्मर क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्ट करेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ये कर देगा बहुत ज्यादा टावरों पर भेज देता है, यही थर्मल पावर प्लांट का कार्य रहता है।